आज थोड़ा म्यूजिकल नाइट है हमारी. आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मुझे अभी पता चला कि ये जो हमारी लॉटरी है ना, इसको गाने बजाने का बड़ा शौक है. मुझे पहले पता ही नहीं था, नहीं तो मैं पहले अपना नाम कुमार सोनू निगम मुरिंद नारायण सब कुछ रख लेता. पर आज शर्मा जी अपनी गायकी के ऐसे तोहफे पेश कराएंगे कि लॉटरी देखना अगर मेरे बस में ना आए तो फिर कहना. अभी मैं गाता हूँ. अजय शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई. हे हे तू चल, मैं आई. हे हे तू चल, मैं आई. अजय शाम होने आई, मौसम ने ली. क्यों आई? मैंने किसी और के लिए गाना गाया था. मुंह का टेस्ट मैंने पनीर वाला बना रहा, दो दिन की बासी कड़ी आ गई. अच्छा यार, कहाँ थे तू? हाँ तो इसी कड़ी से कड़ी जोड़ लो कप्पू, पर ये कड़ी चावल एकदम हिट जोड़ी हो जाएगी. कड़ी से कड़ी जोड़ लूंगी. काश मुगल जिंदा होते ना, तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता इसको. अरे गाना मैंने लॉटरी के लिए गाया था, तुम्हारे लिए नहीं गाया था मैंने. सब पर तुम्हारा ध्यान रहता है, सिर्फ मुझ पर ध्यान क्यों नहीं रहता? जब ऊपर वाले का ध्यान नहीं था तुम्हें बनाते वक्त, तो मैं क्यों रखूं ध्यान देता? फालतू में मूड खराब कर रही है आगे. बाहर मौसम कितना अच्छा है कप्पू, चलो ना पकोड़े खाने जाते हैं. समोसा पकोड़े खाता हुआ अच्छा लगेगा. अब मैं समोसा हूँ. देख क्रेडिट इसको लेना ही लेना है, मैंने अपने आप को कहा समोसा, तुझे तो कहा ही नहीं मैंने. अच्छा देखो ऐसी बातें मत करो, मैं किसी दिन दूर चली जाओगी ना तब तुम मुझे याद करोगे. और तुझे हुआ क्या आज इतना, तू ज्यादा क्यों मतलब उछल उछल के? वो क्या है ना, मैं जब भी शादी की घोड़ी को देखती हूँ ना तब मुझे कुछ कुछ होता है. ऐसे होता है जब आप कभी अपने से मिलती जुलती शक्ल देखो ना. मुझे पता है दुनिया में ना एक जैसी शक्ल वाले 7 लोग होते हैं, और घोड़ी में तो 20 लोगों की शक्ल मिलती है आपस में. तो उसमें उसे टेंशन लेना, तू देख के भूल जाया कर तू. लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं है ना कप्पू, इसीलिए. और मैं चाहती हूँ कि किसी दिन मेरी बहनें भी तुम्हारी जूती चुराए. ये 6 लड़कियों का गिरोह है, ये जूते चुराती हैं, पर्स अंगूठियां ज्वेलर्स के जहां गहने देखने जाती हैं चुरा के भागती हैं. तुम लोग पकड़ी जाओगे देखना किस दिन. मेरी फैमिली के बारे में ऐसा मत बोलो, हम लोग खानदानी अमीर हैं. बहुत खानदानी अमीर हैं. आपको पता है इनके पिताजी रोज मेरे पास खाली टूथब्रश लेके आते, कहते पेस्ट डाल दे इसमें. मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप टूथपेस्ट मांगने आए हैं. ऊपर से मेरे कहते मैंने कौन सा घर लेके जानी है, इधर करके इधर थूक देना. जाओ यार, मेरा दिमाग ही खराब कर दिया. मजाक मत करो, जिस दिन मेरी जिंदगी में लड़का आ जाएगा ना उस दिन सबसे ज्यादा तुम पछताओगे. वो पछताएगा जो तुम्हारी लाइफ में आएगा, मैं क्यों पछताऊंगा? पता है कप्पू मैं हाथ भी देख लेती हूँ. अच्छा बस स्टैंड के पास जो आदमी बैठता तोता लेके, तू ही मुझे लगा के तोता बन के बैठती ना उधर. हाथ दिखाओ अपना. ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है. अच्छा तुम्हारी जीवन पार्टनर जो होगी ना उसका नाम सर से शुरू होगा. सुश्री दीपिका पादुकोण. नहीं वो तो सर से सल्ला 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 सल्ला. कहाँ से आके मेरा मूड खराब कर दिया? मैं तो लॉटरी के लिए वेट कर रहा था, उसको इंप्रेस कर लिया, थोड़ा गाना गा रहा गला साफ करूं. रोब डाल के भीख मांग रहे हैं. अरे भीख मांगनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं लोगों की. ये क्या कर रहे हैं आप, धपके मार रहे हैं आप लोगों को, डरा रहे हो आप? हेलो, ये गॉगल लगा के भीख कौन मांगता है भाई? फॉरेन कंट्री जाके देखो सारे भीख ऐसे मांगते हैं. भाई साहब आप जेंटलमैन लग रहे हैं, आप मेरी बेटी का ख्याल रख देंगे? हैं? नहीं वो क्यों रखेंगे भी? नहीं मैंने तुम्हें मार के फांसी चढ़ जाना है ना, कोई तो चाहिए मुझे ख्याल रखने के लिए बेटी का. और डॉक्टर साहब ये क्या हाल बनाया, क्या हुआ आपने, बने क्या हुए आप? मैं बनता तो डॉक्टर हूँ भाई, वैसे आई एम रॉक स्टार. मतलब आप रॉक स्टार हैं? हाँ जी रॉक स्टार है. या आई एम क्लासिकल सिंगर, इंडियन क्लासिकल सिंगर. बट हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने. ओए ओए
और तुझे हुसन वालों ने लूटा। हाँ जी। और तुझे उन्होंने लूटा जो सिग्नल पे लड़के नहीं लड़कियां बन के घूमते। कड़ी पकौड़े तू कहाँ से? कड़ी पकौड़ा। क्या के? और मैं कवाली गा रहा था। हैं? हाँ जी बिल्कुल। कवाली गा रहे थे? हाँ जी बिल्कुल। मैंने लॉटरी को इम्प्रेस करना है ना। और मैंने तुम्हारा ना मुंह तोड़ देना। रहने दो, फिर मोहल्ले में एक जैसे मुंह वाले दो लोग हो जाएंगे। तो सिद्धु पाजी, आज मैंने ऐसा गाना गाना है कि लॉटरी देखना मुझे से इम्प्रेस होगी। अच्छा। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। लानत है, लानत है, लानत है, लानत है भाई, लानत है। भर भर के लानत है तेरे पे। काले काले बालों ने। मैं तो मारो इसको, मारो इसको, ऐसे तू ऐसे हटा दे। क्या कर रहा है? मैंने कहा था ना, मैंने इम्प्रेस कर लेना है। खबर रखिए, मोहल्ला शांतिवन में इस तरह की गुस्ताखी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया। वाह 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 वाह। भाई बधाई हो, मोहल्ले में उर्दू हुई है। और नाम मैं रखूंगा इसका। और इसके मुंह पे जूता मैं रखूंगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। जूते पे जूता रखोगे उसकी तो जोड़ी बन जाएगी। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आप लोग? देखो जी, गुफ्तगू तो मैं कर रहा हूँ, बाकी का काम ये कर रहे हैं। और आप लोग क्या बने हुए आज? मैं कुछ बना नहीं हुआ, मैं हूँ। आई एम ए रॉक स्टार, सड़ा के थे रॉक। और मैं हूँ, इधर हो जाइए डॉक्टर साहब, मेरी बारी है। और मैं हूँ कवाल, हमें तो लूट लिया। इधर कवाल, हाय, आई एम अ प्लेबैक सिंगर, विल यू मैरी मी? हेलो, मेरे मैं ये कोई गाना नहीं है। गाना नहीं, फीलिंग तो है ना, हर बात गाना ही होती है। सुनो, मुझे म्यूजिक पसंद है लेकिन ये सब नहीं, मुझे घसलों के शौक है। हाँ, और आज रात मेरी फेवरेट सिंगर राहत फतेह अली खान साहब का परफॉर्मेंस है और मेरे साथ दो टिकट है। देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, लेफ्ट में तुम, मैं बैठ जाऊंगा। हाँ, उसको साथ लेना जाना, ले जाना चाहती हूँ जिसको उर्दू आती है। तो? हाँ, तो मुझे नहीं आती है ना, तो ही कैन एक्सप्लेन टू मी। लेकिन आप लोग को बिल्कुल उर्दू नहीं आती है। अरे किसने कहा हमें उर्दू नहीं आती? आपकी नोजर नजर में गुलफात करोगे, उर्दू करेंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे हमने क्या गुफ्तगू करी है। उसने नाजो चश्मे बेहतर है, मैं जो हिंदुस्तान में खसूसियत से मुगल आजम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, क्या नहीं आती उर्दू? ये आपने कैसी उर्दू बोली? आपकी तो उर्दू गलत है। क्या गलत है? उर्दू। उर्दू बस कर, उर्दू होता है उर्दू। देखो जी, मेरी बात सुनो, मैंने आपके लिए ऊपर वाले की रहमत से अपने शाही पतीले में शाही चाय भी बनाई है। पत्ते आसाम को लेकर शक्करे नागपुर को मिलाकर मैंने बीच में दूधम दूध डालकर चाय उबल गई। यार अब बीच में जरूर बोलना था। मेरे को गैस हो गई तेरी उर्दू सुन के, बकवास कर रहा है। आई एम ए उर्दू चैंपियन। अच्छा। जिला जलालू जलालुद्दीन उस्मानिस्तान उज्बेकिस्तान कमालिस्तान फिल्मिस्तान अजरुद्दीन नवाजुद्दीन एंड ऑल। अच्छा, बात चाहूँगा। क्या उर्दू बात कर रहे हैं? ये क्या है? उर्दू तो ना राहत साहब बात करते हैं। माशाल्लाह, उसका लहजा क्या है? उनका लहजा, लहजा मालूम नहीं है लहजा का मतलब? मेरे को पता है लहजा क्या होता है, जब हैजा उर्दू में हो जाता है तो उसको लहजा कहते हैं। और ये नहीं होता डॉक्टर साहब, लहजा वो होता है जब चाय बन जाती है ना, तो कहते हैं लहजा चाय, लहजा 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 वो होती है। लहजा वो नहीं होता। हाँ। लहजा वो होता है जो लड़कियां चोली के साथ नहीं पहनती, वो ऐसे घूमते गोल गोल, उसको लहजा नहीं, उसको लहंगा कहते हैं। मैं तेरी चाय में घुसा? नहीं। तू मेरे लहंगे में क्यों घुस रहा बे? उफ यार, आप लोगों को कुछ नहीं आती है, भाड़ में जाओ तुम लोग। मैंने जाके तीन के पेशेंट को चेक करता हूँ जाके। मैं भी चेक करूँ यार, मेरी भी चाय की दुकान है, हद हो गई, यही काम करते रहना। For more updates,
subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.